हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र शिक्षा का ग्रंथ। आई एम योर एजुकेटर निधि दुआ और मैं आपको इस चैनल पर केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ गेट एग्जाम के लिए। सो बेसिकली गाइस, ये हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस है जो कि कंपलसरी है एक्सेल कैंडिडेट्स के लिए। अब तक हमने सेक्शन 1 कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियडिसिटी, और सेक्शन 2 के अंदर हमने स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग को स्टार्ट कर लिया था। ये वो टॉपिक्स हैं जो हमने अब तक कवर अप किए हैं। ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन आपका सेक्शन 1 कवर अप करता है, और यहाँ पे हमने सेक्शन 2 के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड खत्म कर लिया था अपने पिछले लेक्चर के अंदर। और अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर, उसका नाम है आयनिक बॉन्ड। सो बेसिकली आयनिक बॉन्ड उन एटम्स के बीच में बनता है जो कि मेटल्स होते हैं। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू और मोर एटम्स एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। मींस आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड जो बन रहा था वो बन रहा था शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जबकि आयनिक बॉन्ड जो है वो बन रहा है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू एनदर। मतलब इसके अंदर कंप्लीट ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स का, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर शेयरिंग हो रही थी एक इलेक्ट्रॉन की। नाउ वी हैव इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसका मतलब है कि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और एटम को दे दिया है। और इसके अंदर आपके ग्रुप्स आते हैं फर्स्ट ए से लेके थर्ड ए तक। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब है कि किसी एटम के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। और इसके अंदर आपके ग्रुप्स आ जाते हैं फिफ्थ ए से लेके सेवेंथ ए तक। नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। कैटायन एंड एनायन मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स उन्हें एक बॉन्ड प्रोवाइड कर रहा है, उसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और इसी आयनिक बॉन्ड को कहा जाता है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के नेचर को समझने के लिए हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देखना पड़ता है। सो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट वी हैव द कंडीशंस फॉर फॉर्मिंग द आयनिक बॉन्ड। मतलब कि कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी जिन कंडीशंस के अंदर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो बेसिकली आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए हमें कुछ कंडीशंस देखनी है। सबसे पहली कंडीशन है आयनाइजेशन एनर्जी। आपको पता है हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो बेसिकली अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन और कैटायन इज नोन एज योर आयनाइजेशन एनर्जी। कितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है एक इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकालने के लिए, उस एनर्जी को कहा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। और जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर से निकालते हैं तो उसे चार्ज दिया जाता है पॉजिटिव आयन, या फिर उसे बोला जाता है कैटायन। जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा टेंडेंसी होगी किसी भी एटम की कैटायन में बनने में। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है Na+ की एनर्जी ज्यादा हो गई, जितनी कम होगी उतनी ही टेंडेंसी होगी उसकी कैटायन बनने की। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देख के समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी जब किसी इलेक्ट्रॉन को उसके आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर एड किया जाएगा, और इस एडिशन से बनेगा आपका नेगेटिव आयन जिसे बोला जाएगा एनायन। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी होगी, जितना ज्यादा एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उतनी ही ज्यादा टेंडेंसी होगी किसी भी एनायन को बनने के लिए। फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड आयन इज ग्रेटर देन फ्लोराइड देन ब्रोमाइड देन आयोडाइड। नेक्स्ट इज लैटिस एनर्जी।
अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वन मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज फॉर्म्ड। जितनी ज्यादा हायर लैटिस एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी आयनिक कंपाउंड की। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। अगर आपसे कोई पूछ लेता है किसी पर्टिकुलर सीरीज का ऑर्डर कि इसकी स्टेबिलिटी कैसे होगी, आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, तो आपको देखना होगा उसकी लैटिस एनर्जी का ऑर्डर। लैटिस एनर्जी हम अभी देखेंगे कुछ ही देर में, तो जिससे हमें पता चलेगा कि आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी कितनी होगी। नेक्स्ट इज ओवरऑल लोअरिंग ऑफ एनर्जी। एनर्जी मस्ट बी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। जब भी किसी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी और एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। नंबर वन स्टेप इज, अगर किसी एटम के साथ आपने आयनाइजेशन एनर्जी ऐड करी, मतलब आपने उसके एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, तो वो आपका फॉर्म कर रहा है केटाइन ए प्लस इलेक्ट्रॉन, और फिर आपने एक बी एटम को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिया जिसकी वजह से उसने अपना एनायन बनाया बी माइनस, और प्लस में हो गया आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, की आयनिक कंपाउंड के फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, वो उनका फिजिकल अपीयरेंस किस टाइप से है। सो बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल स्टेट। आयनिक कंपाउंड्स हार्ड होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, ब्रिटल होते हैं, क्योंकि उनके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आपको पता है आयनिक बॉन्ड एग्जाम्पल था स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का, जिसके अंदर 200 किलो जूल पर मोल एनर्जी थी। नेक्स्ट इज आइसोमॉर्फिज। टू कंपाउंड्स आर सेड टू बी आइसोमॉर्फस इफ दे हैव सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि किन्हीं भी दो एटम्स के अंदर आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी शो होगी अगर उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। थर्ड पॉइंट इज बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। दे हैव हाई बीपी एंड एमपी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग अपोजिटली चार्ज आयंस। किसी भी आयनिक कंपाउंड्स के पास हाई बीपी और एमपी होगा क्योंकि उनके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ड्यू टू अपोजिटली चार्ज आयंस। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन आयनिक मोबिलिटी। इस पॉइंट का मतलब है कंडक्टिविटी उन्हीं आयनिक कंपाउंड्स के अंदर कंडक्टिविटी होगी जो कि अपने फ्री स्टेट के अंदर प्रेजेंट होंगे, जिनके अंदर उनके आयंस फ्रीली प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। जितना आयनिक कंपाउंड कितने सॉल्युबल हैं किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, तो आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा सॉल्युबल होंगे। पोलर सॉल्वेंट का मतलब है कि वो उनके अंदर जब भी वो पर्टिकुलर कंपाउंड ब्रेक होगा तो उसके साथ H प्लस और OH माइनस आयंस बिल्कुल फ्रीली मूव करेंगे उस सॉल्यूशन के अंदर। सो बेसिकली लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। मतलब अगर लैटिस एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, और हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्युबिलिटी, इनके कॉन्सेप्ट हम अभी चल के देखने वाले हैं कि लैटिस एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाएगी। नेक्स्ट वी हैव बॉर्न-हाबर साइकिल। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझना है, बिल्कुल मिस नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की सबसे इंपॉर्टेंट साइकिल, जिसे बोला जाता है बॉर्न-हाबर साइकिल। सो बेसिकली मैं आपको कुछ पॉइंट्स बोल के सुनाऊंगी, तो आपको वो चीजें सबसे पहले नोट डाउन करनी है, उन्हें अच्छे से सुनना है। बॉर्न-हाबर साइकिल अप्लाइज ओनली टू फुली आयनिक सॉलिड्स सच एज सर्टेन एल्कलाइन हैलाइड्स। सो बेसिकली बॉर्न-हाबर साइकिल आपकी सबसे पहले एल्कलाइन हैलाइड्स के ऊपर अप्लाई होती है। मोस्ट कंपाउंड्स इंक्लूड कोवेलेंट एंड आयनिक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द केमिकल बॉन्डिंग एंड टू द लैटिस एनर्जी which is represented by an extended Born-Haber thermodynamic cycle. ये जो आपको दिख रही है इसे बोला जाता है Born-Haber thermodynamic cycle. इस Born-Haber cycle का यूज किया जाता है पोलैरिटी और किसी भी एटम के चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए जो कि पार्टिकुलर एक पोलर कंपाउंड हो। नेक्स्ट इज
अब आपको यहाँ पे एक साइकिल नजर आ रही है जिसके अंदर हमने NaCl का फॉर्मेशन लिया है. सो बेसिकली Na सोडियम को हमने सॉलिड लिया है प्लस हाफ मोल ऑफ क्लोराइड जो कि गैशियस है, क्लोरीन गैस ली है और उसके ऊपर हमने डेल्टा एच एफ लिया है जिसे बोला जाता है डेल्टा एच फॉर्मेशन, एंथैल्पी का फॉर्मेशन. और उसके बाद Na प्लस हाफ Cl2 से मिलके आपका बन गया NaCl सॉलिड. अब ये प्रोसेस जो होती है डायरेक्टली नहीं बनता, इसके लिए कुछ बीच के इंटरमीडिएट स्टेप्स आते हैं. जैसे कि सबसे पहले सोडियम आपका सॉलिड में है, ये सॉलिड आपका गैस में कन्वर्ट होगा. तो आपको पता है कोई भी अगर एलिमेंट सॉलिड से उसके गैशियस स्टेट के अंदर आ रहा है तो उसे बोला जाता है डेल्टा एच सब्लिमेशन, मतलब जो एनर्जी लगी है उसे डिनोट किया जा रहा है डेल्टा एच से और प्रोसेस हो गया सब्लिमेशन. फिर ये सोडियम गैस से एक आयन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है Na प्लस आयन के अंदर. आपको पता है किसी भी एटम को उसके कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव आयन के लिए अगर हमें उसे कन्वर्ट करना है तो हम लेंगे डेल्टा आई ई. उसके बाद हाफ Cl2 जो कि गैस था, आपने उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ली जिसे रिप्रेजेंट किया गया BDE से, उसकी हाफ एनर्जी ली BDE/2, फिर आपने उसको कन्वर्ट किया क्लोरीन गैस के अंदर. फिर आपने जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराया तो आपके पास एक एनायन बन गया Cl- जो कि गैशियस है. फिर आपके पास आ गया Na प्लस गैस प्लस Cl- गैस. जब ये दोनों आयन्स आपस में मिलेंगे तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे बोला जाता है लैटिस एनर्जी जो कि फॉर्मेशन करेगी NaCl का 1 मोल जो कि होगा आपका सॉलिड. सो बेसिकली यही बॉन्ड हाबर साइकिल है. द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl फ्रॉम इट्स एलिमेंट सोडियम एंड क्लोराइड इन दियर स्टेबल फॉर्म्स इज मॉडल्ड इन द 5 स्टेप्स इन दिस डायग्राम. First of all, enthalpy change that you can see delta H sublimation, then delta IE ionization enthalpy, then you have your bond dissociation energy or atomization enthalpy, then electron affinity and then lattice energy. The same calculation applies for any metal. ये same calculation आप किसी भी metal के लिए ले सकते हैं other than sodium, chlorine or any non-metal other than fluorine. और क्लोरीन. सो बेसिकली द सम ऑफ एनर्जीज फॉर ईच स्टेप ऑफ द प्रोसेस मस्ट इक्वल टू द एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ द मेटल एंड द नॉन मेटल. एज यू कैन सी हियर डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी. अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लेटिस एनर्जी ये दोनों एक्सोथर्मिक होती हैं. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लेटिस एनर्जी और बाकी की बची हुई एनर्जी सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंडोथर्मिक होती है. मीन्स ये एनर्जी को एब्सॉर्ब करती है, हीट को एब्सॉर्ब करती है. नेक्स्ट वी हैव एप्लीकेशन ऑफ BHC. बॉर्न हाबर साइकिल का एप्लीकेशन क्या है? सो बेसिकली बॉर्न हाबर साइकिल की मदद से हमें पता चलता है कि मेटल्स की सब्लिमेशन एनर्जी कम होती है, मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है नॉन मेटल्स की, जबकि नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है और हाई लैटिस एनर्जी मिलती है. नेक्स्ट वी हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्डर्स इन दिस स्लाइड. हेयर आई वुड सजेस्ट प्लीज नोट डाउन दीज ऑर्डर्स बिकॉज ये ऑर्डर्स बहुत बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं एंड मुझे लगता है कि ये गेट एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वहां भी एक दो बार ही इनसे क्वेश्चन आ चुका है. सो बेसिकली सबसे पहले ऑर्डर है आपके पास हेलोजन सीरीज के लिए आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताना है. हेलोजन सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन के पास सबसे ज्यादा होगी जबकि आयोडीन के पास सबसे कम होगी. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर भी क्लोरीन के लिए सबसे ज्यादा होगा Cl2 के लिए जबकि सबसे कम होगा I2 के लिए. आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी ये ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आयनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा बनेगा फ्लोरीन के अंदर क्योंकि उसका साइज बहुत स्मॉल है इसीलिए. नेक्स्ट वी हैव लैटिस एनर्जी. अब आपको पता है लैटिस एनर्जी की मदद से हम किसी भी आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी बता सकते हैं इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है.
लेटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज वाइल लेटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. इसका मतलब है लेटिस एनर्जी अगर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो लेटिस एनर्जी इंक्रीज करेगी, अगर साइज डिक्रीज कर रहा है तो भी लेटिस एनर्जी इंक्रीज करेगी और वाइसे वर्सा. अगर लेटिस एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो केटाइन और एनायन के बीच में इंटरैक्शन इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ जो होगी, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा केटाइन और एनायन का, वो भी बढ़ेगा, जबकि आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. मतलब लेटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड. लेटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड. सो बेसिकली यहां पे भी यही लिखा हुआ है, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटिस एनर्जी. नेक्स्ट वी हैव फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी. अब देखिए, जैसे ही लेटिस एनर्जी आपकी इंक्रीज हो गई, आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई, आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई, आयनाइजेशन डिक्रीज हुआ और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई. मींस लेटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी. नेक्स्ट वी हैव हाइड्रेशन एनर्जी. अगर हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, और हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज. जैसा कि आपने यहां देखा था, लेटिस एनर्जी भी चार्ज अपॉन साइज है और हाइड्रेशन एनर्जी भी चार्ज अपॉन साइज है. नेक्स्ट वी हैव सम एग्जांपल्स. आपको एग्जांपल के अंदर दिख रहा है, आपको ऑर्डर बताना है लेटिस एनर्जी का. सो बेसिकली देखिए, सबसे पहला आपको कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स गिवन है, NaCl, MgO, AlN एंड TiC. आपको इसमें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताना है, लेटिस एनर्जी का ऑर्डर बताना है. तो आपको पता है लेटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज. अब हम यहाँ पे चार्ज का फैक्टर भी ले सकते हैं, साइज का फैक्टर भी ले सकते हैं. तो हमने बेसिकली देखा चार्ज का फैक्टर, क्योंकि आपको दिख रहा है Na के ऊपर प्लस वन चार्ज है, Cl के ऊपर माइनस वन चार्ज है, Mg के ऊपर प्लस टू है, O के ऊपर माइनस टू है, ऐसे ही प्लस थ्री, माइनस थ्री, प्लस फोर एंड माइनस फोर. अब आप जैसे ही लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आपको दिख रहा है चार्ज इंक्रीज हो रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो लेटिस एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है. नेक्स्ट वी हैव NaF, NaCl, NaBr एंड NaI. अब आपको दिख रहा है कि साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेस. आपको दिख रहा है Na तो कॉमन है यहाँ पे. अब आपको एक हेलोजन सीरीज दे रखी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. टॉप से बॉटम आने पर इन अ पर्टिकुलर ग्रुप साइज इंक्रीज होता है. अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो लेटिस एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि आपको पता है लेटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज व्हाइल इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. यहाँ पे ऑर्डर ऑफ लेटिस एनर्जी के कुछ एक्सेप्शन हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन है, ये आपको याद रखने हैं. ये बेसिकली आपके सेकेंड ग्रुप के कार्बोनेट्स और सल्फेट्स के अंदर एक्सेप्शन आ जाता है ऑर्डर ऑफ लेटिस एनर्जी. सो बेसिकली BeCO3 से ज्यादा MgCO3 का है, CaCO3 का, देन SrCO3, देन BaCO3. ऐसे ही इसके सल्फेट्स के अंदर यहाँ पे टॉप से बॉटम जाने पर लेटिस एनर्जी इंक्रीज हो रही है, जबकि आपको ऊपर वाले एग्जांपल में दिख रहा है टॉप से बॉटम आने पर लेटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही है. तो इन एक्सेप्शन के अंदर बेसिक जो रीजन है, वो रीजन ये है कि इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. ये रीजन आपको ऐसे ही याद करके रखना है कि सेकेंड ग्रुप के कार्बोनेट्स और सल्फेट्स के अंदर टॉप से बॉटम आने पर उनका लेटिस एनर्जी का ऑर्डर इंक्रीज कर जाता है ड्यू टू देयर स्पेसिफिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. नेक्स्ट वी हैव अ प्रैक्टिस क्वेश्चन. आपको यहाँ पे लेटिस एनर्जी का ऑर्डर बताना है. आपको दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, Na2O, MgO, Al2O3, LiCl, NaCl, KCl, RbCl एंड CaCl. मैं यहाँ पे आपको बोलूंगी कि आप प्लीज अपने वीडियो को पॉज करें और खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए. मैं आपको कुछ टाइम देती हूँ, आप जल्दी से इसे खुद से ट्राई कीजिए. ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं लेटिस एनर्जी का ऑर्डर.
सबसे पहले आपको ये एलिमेंट्स गिवन थे Na2O, MgO, Al2O3। अब आपको पता है कि इनके ऊपर जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होगा तो लेटिस एनर्जी भी इंक्रीज होगी, इसीलिए Na2O से ज्यादा MgO और MgO से ज्यादा Al2O3 की लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी। नेक्स्ट था LiCl, NaCl, KCl, RBCl एंड CSCl। आपको पता है ये पर्टिकुलर एक ग्रुप की बात हो रही है, टॉप से बॉटम आने पर साइज इंक्रीज होता है इसीलिए लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही है। एज यू नो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो यही थी कि लैटिस एनर्जी चार्ज अपॉन साइज होती है, लैटिस एनर्जी इंक्रीज करेगी तो स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इंक्रीज कर जाएगा। इसीलिए ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर हमसे ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी पूछा जाता है। वो ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी ना पूछकर वो आपसे पूछ सकता है कि स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड भी बताइए, तो भी आपको चार्ज अपॉन साइज का रेशियो देखकर बता देना है। नाउ इन केस अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा के ग्रंथ पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड न्यू अपडेट्स मिलती रहती हैं। आपको वहां पर फ्री PDF नोट्स भी अवेलेबल हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर फेसबुक पेज गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। और फॉर फर्दर क्वेरीज यू कैन मेल अस ऑन तनेजा नेहा ऑफिशियल @gmail.com। Thank you very much, guys.